नमस्कार दोस्तों, जब 2020 की शुरुआत हुई तो हम सब ये सोच रहे थे कि ये साल बहुत बढ़िया होगा और चाइना में ये साल चूहे का साल है, यानी द ईयर ऑफ रैट। लेकिन कमाल की बात देखिए, 20 जनवरी तक आते आते सारा सिचुएशन ही बदल गई और ये कोरोना वायरस का जो इश्यू आप सब लोग आजकल न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं, चाहे कोई भी मीडिया का न्यूज़पेपर है, और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ शांघाई में रह रहा हूँ। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे सभी दोस्तों का जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ईमेल्स पर, फोन कॉल्स पर ये जानने की कोशिश की है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई एम कम्प्लीटली फाइन एंड डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ऑफकोर्स देयर आर सम सर्टेन चैलेंजेस वी ऑल आर गोइंग थ्रू एज पीपल हु आर एक्चुअली स्टेइंग इन चाइना, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि शांघाई बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहा है। शांघाई में केसेस भी नहीं है ज़्यादा और जिस तरह से चाइनीज गवर्नमेंट ने काम किया है बहुत ही काबिल तारीफ है। बट आई रोट एन आर्टिकल ऑन लिंक्डइन एंड आई थिंक बहुत लोगों ने पसंद किया, तो मुझे लगा कि मुझे उस आर्टिकल को एक वीडियो आर्टिकल में भी मुझे कन्वर्ट करना चाहिए। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि शांघाई बिल्कुल सेफ है, लोग कम है शांघाई में, थोड़ी सड़कें खाली हैं, रेस्टोरेंट में उतने लोग नहीं है, लेकिन ये सब प्रिकॉशंस हैं जो हम सब लोग अपनी ही चॉइस से ले रहे हैं, यानी कि सेल्फ क्वारंटाइन कर रहे हैं, लेकिन काबिले तारीफ काम शांघाई गवर्नमेंट का। और दूसरी बात यह है कि कैसे हम लोग अपने आप को यहाँ मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहली तो बात है कि जब इस तरह से आप कैद हो जाते हैं, अपने घर से ज़्यादा बाहर निकल पाते, तो यू शुड सीक आउट एंड कनेक्ट विद योर फ्रेंड्स। तो हमने भी ये किया, हमने कुछ अपने करीबी दोस्तों को बुलाया, साथ में बैठ के हमने इंडियन मैचेस देखे, पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, हमने बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करके भी खाया है और एक दूसरे घर पे गए हैं, खाना भी खाया है। सो सीक आउट एंड कनेक्ट एंड एक्चुअली टॉक टू योर फ्रेंड्स इज अ वर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दीज केसेस। दूसरी चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि हम जब इस तरीके से हमारा स्केड्यूल डिसरप्ट हो जाता है कि हम ऑफिस नहीं जा पाते, स्कूल नहीं जा पाते, तो इस स्केड्यूल को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यानी सुबह आप अपने अमूमन तौर पर 6:30-7 बजे उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, रेडी होकर अपने अच्छे कपड़े पहनकर अपना टेबल पर बैठ जाइए जैसे कि आपकी ऑफिस की शुरुआत हो चुकी है। तो प्रैक्टिसिंग योर स्केड्यूल एज यूजुअल ऑफ योर एनी बिजनेस डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी हैव बीन एबल टू डू एंड आई एम पर्टिकुलरली यू नो ट्राइंग टू फॉलो दैट। दूसरी एक चीज और आती है, जो तीसरी बात यह है कि सेल्फ केयर, यानी एक मौका मिलता है जब आप पूरे दिन घर पर रहते हैं, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं, तो आपको अपनी सेल्फ केयर थोड़ी ज़्यादा करनी चाहिए। ये ट्रेडमिल है, देखिए ट्रेडमिल पर मैं इस बार भागने की कोशिश की, ये मेरे कुछ वेट्स वगैरह भी मैंने किए और जिम्नेजियम जो मेरा छोटा सा है उसकी भी मैंने बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की, स्ट्रेचिंग किया, योगा किया और मतलब इस तरीके से अपने आप को थोड़ा जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बन जाता है, रोज़ आप ज़्यादा वॉक नहीं करते, उससे बाहर आने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए लोग कहते हैं कि जब आप एक माहौल में कंप्लीटली कैद हो जाते हैं, लास्ट पिछले 20 दिनों में शायद मैं 10 लोगों से मिला हूँ या 15 लोगों से मिला हूँगा, तो आप एक कैद हो जाते हैं तो आपको थोड़ा स्ट्रेस होने लगता है, तो उस स्ट्रेस को थोड़ा कम करने के लिए आप अपने काम में मशगूल रहें और दूसरा किसी और एक्सटर्नल वजह से किसी और स्ट्रेस को ना लें। हो सकता है आपको स्ट्रेस आपके कॉर्पोरेट लाइफ से आ सकता है, आपके हेडक्वार्टर से आ सकता है, आपके बॉस से आ सकता है, या आपके घर से या किसी भी रिलेटिव फैमिली फ्रेंड्स कहीं से आ सकता है, तो आप उसको अवॉइड करें और अपने ही चीज़ों में मस्त रहें और प्रे करें कि ये चीज़ें ठीक हो जाएं। तो अवॉइडिंग एनी एडिशनल स्ट्रेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवी चीज़ है बच्चे। बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज वो हमारे साथ रहते हैं। छोटा मेरा, आई हैव टू किड्स, वन इज़ 8 ईयर, वन इज़ 15 ईयर, दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल डिफरेंट है। जो छोटा बच्चा है उसको ये लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स क्यों होते हैं, तो उन्हें बताना और समझाना बहुत ज़रूरी होता है। और जो मेरा बड़ा बेटा है वो 15 साल का है, उसको थोड़ा चिंता होती है, उसको लगता है कि मेरी फैमिली सही रहे, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो, तो उनको ये एक्सप्लेन करना कि किस तरीके से अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं, कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा रहा है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। मुझे याद है 1984 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी, तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ घर पर नहीं थे, मैं और मेरा छोटा भाई, मेरी उम्र उस समय 9 साल की थी और मेरे भाई 7 साल की उम्र थी, हमको एक उनके फ्रेंड के साथ जो एक हाउसमेट की तरह काम कर रहे थे साथ छोड़ दिया और 10 दिन तक हमारी मुलाकात हमारे पेरेंट्स से नहीं हुई। तो मुझे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो कि ये क्यों हुआ और ऐसा कैसे हुआ, तो मुझे वो ट्रॉमा कुछ दिन ज़रूर रहा था। और असली बात, फाइनल बात आती है कि हम सब लोग यहाँ एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेन कम्युनिटी से लोग यहाँ रहते हैं, अपना बिजनेस चलाते हैं, हाउ टू मैनेज बिजनेस। उसके भी 3 तरीके मुझे बड़े अच्छे समझ में आते हैं कि जब इस तरह की डिस्ट्रप्शंस होती हैं, आपको अपने 3 चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला कि आपका जो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, आप उनको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्लान्स में बड़े ही इंटरेस्टेड रहते हैं हेडक्वार्टर्स के लोग जो यहाँ से बाहर बैठे हैं, उनको जरूर शॉर्ट टर्म अपने प्लान्स बताइए, कैसे आप सिचुएशन से बाहर आएंगे, कैसे आप बिजनेस को बेटर रखेंगे। मीडियम टर्म प्लान्स के साथ अपने टीम के साथ काम कीजिए और लॉन्ग टर्म प्लान अपने लिए रखिए, क्योंकि आपको पता है कि आप इसको कैसे टेक ओवर करने वाले हैं। सेकेंड चीज़ है
प्रोसेस जरूर ध्यान रखें, और तीसरी चीज है वैल्यू डिफरेंशिएशन, यानी जो आपके कस्टमर्स हैं वो भी उसी चीज से गुजर रहे हैं, उन्हें भी ये बहुत जरूरी है कि कैसे वो इस चीजों से बाहर आ सके। सो आई थिंक ऑल इन ऑल इफ आई से एंड समराइज, सीक आउट एंड कनेक्ट, प्रैक्टिस शेड्यूल, सेल्फ केयर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैनेजिंग योर चिल्ड्रन एंड मैनेजिंग योर बिजनेस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो गाइज, हम बिल्कुल यहाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, वी आर ऑल एंजॉइंग, बट यस, वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू टू कम बैक एंड एंजॉय विद ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, प्रे फॉर चाइना।